रोके का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। आज पूरा छत्तीसगढ़ परेशान है, चाहे हमारी समूह की बहनें हो, समिति के लोग हो, अधिकारियों ने पूर्व सरकार के दिशा निर्देश पर घोटाला का एक अड्डा गोठान को भी बना दिया था। अब वो सारे चीजें वापस खुलकर आ रही हैं। हमने विधानसभा में गोबर खरीदी पे प्रश्न किया, जिसमें मंत्री जी ने घोषणा की और हम लोगों का मांग था कि इसकी गंभीरता से जांच किया जाए। जो गोबर बेचने वाला हितग्राही है वो खुद स्वीकार करता है कि मेरे पास 10 की संख्या में गाय है और मैं जो गोबर बेच सकता हूँ, जितनी मेरे पास क्वांटिटी है वो 5400 की है, लेकिन उससे गोबर खरीदी पेपर में दिखता है कि वो 5 लाख किलोग्राम खरीदा गया है। तो इस तरह की चीजें सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में खेल खेला गया है और गोबर का पैसा कांग्रेसियों के जेब में निश्चित तौर पे पहुंच चुका है। आज हम जो क्वेश्चन उठाए थे उसमें माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है प्रश्न एवं संदर्भ समिति के माध्यम से इसकी जांच की जाएगी, ताकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोग छले न जाए, ठगे न जाए। और ये विष्णुदेव जी की सरकार है जो आने वाले समय में एक सुशासन युक्त सरकार छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो चुका है और हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को उनके अनुरूप विकास देने की कल्पना जो रही हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों की, वो साकार करने वाली है। आज ये विषय हमने यहाँ पे विधानसभा प्रश्न काल में उठाया। जी मुझे इस बारे में जानकारी लेनी होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। जो सैंक्शन बजट होता है, बजट के आधार पे विभाग के लोग भी उस पर तय होता है कि कितना बजट है, और बजट के आधार पे संख्या तय की जाती है, उनको सम्मिलित किया जाता है, फिर उससे मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी।